जी फ्रेंड्स, आज जो है वो इंट्रोडक्शन में करवा दूं जो न्यू मेंबर्स हमारे आए हैं। अबू बकर, माय नेम इज अबू बकर एंड आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। जो आज जो है हम थर्ड सेशन में हम जो है वो मेन डिस्कस करेंगे गूगल का जो है वो वर्क प्रोसेस को और गूगल के एल्गोरिथम्स को। ये दो मेन हम जो है वो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, जब भी आप कोई भी सर्च क्यूरी लिखते हैं या कीवर्ड्स के साथ गूगल पे सर्च करते हैं तो उसके बाद जो है वो आपके पास एक पेज शो हो जाता है, कुछ रिजल्ट्स शो होते हो जाते हैं, और वो जो रिजल्ट्स आपके पास मेन शो होते हैं वो एक बैकएंड पे पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस गूगल का होता है। वो प्रोसेस के बाद, प्रॉपर प्रोसेस के बाद आपके पास वो रिजल्ट्स शो होती हैं। उसको हम सर्च इंजन वर्क कहते हैं कि सर्च इंजन किस तरह वर्क करता है, और वो प्रॉपर वर्क करने के बाद जो आपका जो आपने सर्च किया होता है उसकी आपको जो है वो रिजल्ट्स उसके प्रॉपर शो कर देता है। तो हम मेन ये कहते हैं कि हाउ टू सर्च इंजन वर्क। जो सर्च इंजन मेन वर्क करता है वो थ्री उसके स्टेप्स आते हैं जिसमें जो है वो जिसका वो वर्क करता है, जिसके थ्रू वो वर्क करता है, और वर्क करने के बाद जो है वो आपको आपकी क्यूरी के मुताबिक आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट्स आपको शो करता है। फर्स्ट इसका स्टेप होता है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग जो होता है मेन, वो उसमें क्रॉलर्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं और रोबोट्स होते हैं जो वो क्रॉलिंग करते हैं। अब इनका मेन काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि कंटेंट इज डिस्कवर्ड। ये जो आपके स्पाइडर्स हैं जो मेन गूगल के जो है वो क्रॉलिंग में जो आते हैं, स्पाइडर्स, क्रॉलर्स एंड रोबोट्स, इनका मेन काम होता है कि ये कंटेंट को डिस्कवर करते हैं। ये जो भी कोई कंटेंट सर्च इंजन के ऊपर, गूगल के ऊपर आता है उसको ये डिस्कवर करते हैं। और सेकंड इनका स्टेप होता है इंडेक्सिंग। जब वो प्रॉपर जो है वो उसको कंटेंट को डिस्कवर कर लेते हैं, डिस्कवर करने के बाद उसको वो इंडेक्स करते हैं। इंडेक्स का मेन काम क्या होता है, कंटेंट इज एनालाइज्ड एंड स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। कि कंटेंट को वो एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उसको अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और इसको हम इंडेक्स कहते हैं। कि और थर्ड वन इज रैंकिंग। जब क्रॉलर्स जो है वो उसको कंटेंट को डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर करने के बाद उसको अपने डेटाबेस में जो है वो अपने डेटाबेस में उसको सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद जब रैंकिंग का, यानी कि थर्ड स्टेप पे रैंकिंग होती है, डिस्प्ले ऑन द सर्च एज यूजर्स रिक्वायरमेंट, यानी जब जो उसके बाद जो है वो उसको यूजर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सर्च के ऊपर रिजल्ट्स मेन शो कर देता है, रैंकिंग कर देता है। देखें, जिस वक्त मेन आप, मैंने पहले भी बताया कि जिस वक्त आप क्यूरी लिखते हैं, क्यूरी लिखने के बाद आपके पास काफी नीचे रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो आपने कीवर्ड टाइप किया होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास काफी कीवर्ड्स काफी यानी कि रिजल्ट्स आपके पास शो होना शुरू हो जाते हैं। जिस पेज के ऊपर रिजल्ट्स शो होते हैं उसको हम सर्प कहते हैं, SERP, सर्प। आगे हम मेन डिस्कस करते हैं कि ये सर्प है क्या। मेन ये जो है वो एक डायग्राम के थ्रू इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया। अब देखें कि टॉप के ऊपर स्पाइडर्स हैं। स्पाइडर्स क्या करते हैं, कंटेंट को डिस्कवर करते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के ऊपर कंटेंट के वो जाते हैं और कंटेंट को डिस्कवर करते हैं, और कंटेंट को डिस्कवर करने के बाद वो उसको एक लिस्ट में वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की लिस्ट मेन, कि अगर फ्लावर्स का डाटा है तो उसको फ्लावर्स की लिस्ट में, ये जिस तरह मैंने ऊपर वो प्रॉपर डायग्राम में शो हो रहा है, फ्लावर्स, आर्ट, आपके जो है वो स्टोर्स, आपके ट्रेनर, स्विमिंग, यानी कि वो ये सारा एक लिस्ट प्रॉपर उसकी बनाता है। लिस्ट बनाने के बाद उसको एनालाइज करने के बाद उसको जो है वो अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेता है, उसको हम इंडेक्स कहते हैं। और थर्ड स्टेप जो है, जब जिस वक्त वो स्टोर कर लेता है,
थर्ड स्टेप हमारा आता है कि जिस वक्त हम क्यूरी लिखते हैं, क्यूरी लिखने के बाद हमारा उस पेज के ऊपर जो डिस्प्ले रिजल्ट्स जो है ना वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो रिजल्ट्स शो हो रहते हैं उसको हम सर्व कहते हैं। जिस पेज के ऊपर रिजल्ट शो होते हैं उस पेज को हम सर्व कहते हैं। सर्व क्या है? सर्च इंजन रैंकिंग आपकी जो है ना वो पेज मेन, इसको हम ये कहते हैं। अब गूगल के, अब आगे हम डिस्कस करेंगे गूगल के एल्गोरिथम्स। जो सर्च मेन है, सर्च इंजन रिजल्ट्स, यानी कि जो पेजेस रिजल्ट्स पेजेस जो जिसके ऊपर आपका रिजल्ट्स मेन शो हो रहा होता है, हम उसको सर्च कहते हैं। आगे मेन हम डिस्कस करेंगे गूगल के एल्गोरिथम्स। ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जिस तरह हम, यानी कि वो पहले स्पाइडर्स है, स्पाइडर्स के थ्रू उसने डाटा को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसको इंडेक्स किया, इंडेक्स उसने अपने स्टोरेज डेटाबेस के अंदर उसको स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद उसने जो सर्प है उसके जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको उसने मेन पेज के ऊपर, सर्प के ऊपर उसको शो कर दिया। आगे हम गूगल एल्गोरिथम्स अपडेट, जो मेन गूगल के एल्गोरिथम्स हैं वो फोर हैं। फोर मेन एल्गोरिथम्स हैं जो उसके कोर एल्गोरिथम्स में, यानी कि जिनको गूगल ने अपने कोर एल्गोरिथम्स में कंसीडर किया हुआ, ऐड किया हुआ। फर्स्ट गूगल पांडा अपडेट है, सेकंड गूगल पेंगुइन अपडेट है, थर्ड वन इज गूगल हमिंगबर्ड्स एंड फोर्थ वन इज गूगल मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। अब इनको जो है वो हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे गूगल पांडा अपडेट क्या है मेन, कि ये लॉन्च जो हुई है वो फरवरी 24, 2011 में इसको मेन वो लॉन्च किया गया। और मेन इसके जो हैजर्ड्स हैं वो मेन क्या है कि अब देखें कि अब अल्गोरिथम्स की मेन गूगल को क्यों जो है वो जरूरत पेश आई कि अल्गोरिथम्स अपडेट। अब देखें 2011-10 इससे पहले जो है वो गूगल की अपडेट्स नहीं थी, ठीक है ना। और अब इसको मेन गूगल को क्यों इन चीजों की जरूरत पेश आई। गूगल मेन देखें कि जिस वक्त पहले कोई भी जो काम कर लेता था बैक एंड पे, स्पैमिंग भी काम करता रहता था, अवॉइड भी करता रहता, कॉपीराइट भी इशू होते थे, ठीक है, वो किसी का डाटा कॉपी कर लिया। और क्या चीज होती थी कि थोड़ा सा काम किया, बेशक स्पैमिंग में ब्लैक हेट एसईओ की करने के बाद हम जो क्वालिटी की साइड होती थी उनसे भी हमारी साइड वो ऊपर आ जाती थी। और उसके थ्रू जो है ना इन चीजों को उसने वो मेन रोकने के लिए कि जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, सर्च तो हमारा जिस वक्त वो एक वर्क के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू हमारा रिजल्ट्स तो शो होना शुरू हो गए कि सर्च के ऊपर हमारा रिजल्ट आ जाता है, लेकिन क्या चीज है कि उसके जब उसको रैंकिंग के लिए फिर गूगल ने एक जो है वो क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया कि कोई भी जिस वक्त इस क्राइटेरिया को मीट करेगा तो वो ही टॉप पे या फर्स्ट पे या सेकंड या थर्ड, उसके मुताबिक उसको वो रैंकिंग गूगल पे दी जाएगी। तो उसके लिए फिर उसने एल्गोरिथम्स को जो है लॉन्च किया, अपडेट किया, ताकि इसके थ्रू जो है ना वो डिफरेंट जो लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को जो ब्रेक कर रहे हैं उनको जो है वो हम आइडेंटिफाई करके पेनल्टी उनको डाल सके। तो ये मेन इसने जो है लॉन्च हुआ गूगल पांडा जो है वो लॉन्च हुआ फरवरी 2011 में। उसके जो मेन वो वर्क करते हैं, ये क्या करते हैं, प्लेजराइज्ड कंटेंट को, मेन प्लेजराइज्ड कंटेंट को देखता है, डुप्लीकेट कंटेंट को देखता है, थिन कंटेंट को देखता है, और जो भी कोई यूजर्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं स्पैमिंग के थ्रू, यानी वो थिन कंटेंट और स्पैमिंग जो कंटेंट है उसको देखते हैं, और कीवर्ड स्टफिंग को इन द लैंडिंग पेज, और कीवर्ड स्टफिंग को देखता है, ठीक है ना, कीवर्ड स्टफिंग को देखता है कि किसी ने कीवर्ड्स की वो स्टफिंग तो नहीं की। इसको मेन कीवर्ड स्टफिंग क्या है इसको हम आगे जाके मेन डिस्कस करेंगे। कीवर्ड स्टफिंग थोड़ा सा ब्रीफली मैं अगर इधर बता दूं, कीवर्ड स्टफिंग ये होता है कि आप अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स को बार बार जो है वो एंटर, बार बार जो है उसको लिख देते हैं अपने कंटेंट के अंदर, बार बार उसको यूज करते हैं। उसका ये एक क्राइटेरिया है कि उसको जो है वो गूगल ने रखा हुआ है कि इतनी दफा आप अपने जो है वो कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट कंटेंट को वो करता है, डुप्लीकेट कंटेंट को अगर देख ले, अगर उसके अकॉर्डिंग फिर उसको वो पेनल्टी जो है वो डालते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप देखें इन चीजों को जो अगर इसने वो डिफाइन की हुई है, अगर हम फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट कंटेंट है
तो डुप्लीकेट कंटेंट हम अगर ना यूज नहीं अच्छा यानी कि अच्छा कंटेंट यूज करेंगे तो उसके थ्रू हम जो है वो इसकी पेनल्टी से बच सकते हैं। और इसका मेन वर्क किस तरह करता है, मेन गूगल पांडा क्या करता है, गूगल पांडा जो है ना वो क्वालिटी स्कोर जो है ना वो असाइन करता है, ठीक है। क्वालिटी स्कोर किन की बेस के बेस पे असाइन करता है कि आपके कंटेंट की बेस पे, आपकी कीवर्ड स्टफिंग अगर ना हुई हो तो उसके अकॉर्डिंग, अगर कीवर्ड स्टफिंग हुई है तो उसके मुताबिक वो क्वालिटी स्कोर जो है वो आपको असाइन कर देगा। अगर आपकी स्टफिंग नहीं हुई तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी स्कोर अच्छा यानी कि दे देगा। अगर फॉर एग्जांपल कि आपका डुप्लीकेट कंटेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव क्वालिटी स्कोर वो देगा। अगर कंटेंट यूनिक है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा क्वालिटी स्कोर देगा। और ये क्वालिटी स्कोर जो है इसको वो यूज करते हैं अपने गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स में, यानी कि इस क्वालिटी स्कोर पे ही आपको अच्छी रैंकिंग मिलती है अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो। अगर क्वालिटी स्कोर आपका अच्छा नहीं है तो उसी की बेस पे आपको आपकी रैंकिंग को वो डाउन कर देता है। और इन जनवरी 2016 इट वाज बिकम ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड इन टू द कोर एल्गोरिथम्स। और इसको जो है ना वो 2016 में गूगल ने अपने कोर एल्गोरिथम्स में ऑफिशियली जो है वो इसको ऐड कर लिया। हाउ कैन वी एडजस्ट इट, हम इसको जो है वो किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, इसको मेन हम किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, मेन इसको अपने डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करें, प्लेजराइज्ड कंटेंट को हम चेक करते रहे, थिन कंटेंट को चेक करते रहे, कहीं हमारा कंटेंट थिन तो नहीं है, हमारा डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है, प्लेजराइज्ड कंटेंट हमने यूज तो नहीं किया हुआ, अपनी कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं, जो क्राइटेरिया गूगल ने डिफाइन किया हुआ है क्या हम उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो कीवर्ड्स अपने कंटेंट के अंदर यूज कर रहे हैं या उसको हम जो है अवॉइड कर रहे हैं। तो इन सारी जो है वो इनको हम फिक्स करके अपने जो है वो इस पेनल्टी से, गूगल पांडा की पेनल्टी से हम बच सकते हैं और अपने क्वालिटी स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। और क्वालिटी स्कोर को जब हमारा बेहतर हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए बेस्ट जो टूल है वो मैंने वेबसाइट ऑडिटर के नाम से एक टूल है जिसके थ्रू जो है वो आप अपनी जो है वो इन सारी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है वो मैंने एक रिजल्ट चेक किया है उसके थ्रू जो है वो ये आप वेबसाइट एडिटर, नीचे आपको जो है इसकी यूआरएल वो नजर आ रही होगी कि इसी यूआरएल को आप ओपन करके इजीली इसके ऊपर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। नाम और अपनी ईमेल एड्रेस दें, अब इसी इसमें जो है ना वो रजिस्टर होने के बाद अपनी वेबसाइट का आप वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं। अब ये देखें कि एक वेबसाइट है, अब उसने प्रॉपर नीचे बता दिया ऑन पेज में डुप्लीकेट कंटेंट, डुप्लीकेट टाइटल्स हैं आपके पेज के अंदर, कितने पेजेस में डुप्लीकेट टाइटल्स यूज हुए हैं, 7 पेजेस में डुप्लीकेट टाइटल्स यूज हुए हैं। अब आगे नीचे आ गया डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन, अब 12 पेजेस के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका डुप्लीकेट शो हो रहा है। तो इन सब को आप जो है वो रिमूव करेंगे और इन कंटेंट को जो है वो यूनिक करेंगे, और यूनिक करने के बाद जो है वो आपको ये टूल आपके लिए बेस्ट है आपको गाइड देने के लिए, और इसको आप फॉलो करके अपनी जो है वो कंटेंट को आप बेहतर बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट के जो है वो कंटेंट और कीवर्ड्स स्टफिंग को जो है वो उसको रिमूव करके आप उसको जो है वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने क्वालिटी स्कोर जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आगे गूगल पेंगुइन, गूगल पेंगुइन अपडेट, इसका मेन क्या, इस अपडेट को जो है वो लॉन्च करने का क्या पर्पस था गूगल का, इसको हम डिस्कस करते हैं। लॉन्च जो है वो डाटा जो है वो लॉन्च डेट जो है इसकी वो अप्रैल 24, 2012, ठीक है, इसको 2012 में जो है वो गूगल ने लॉन्च किया। इसका मेन पर्पस लॉन्च करने का क्या था कि लिंक कमिंग फ्रॉम पुअर क्वालिटी स्पैमिंग साइट्स, यानी कि जो पुअर साइट्स से, जो जिनका अपना क्वालिटी स्कोर जिन साइट्स का अच्छा नहीं है उधर से जो वो लिंक आ रहे हैं उन साइट्स को गूगल ने जो है वो जो है गूगल पेंगुइन मेन देखता है। तो लिहाजा मेन जो है वो आप उसी जगह पे अपने लिंक्स को वो लगाएं कि जिस जगह पे आपको क्वालिटी स्कोर वो मेन अच्छा मिल सके, ठीक है ना। तो मेन लिंक्स कमिंग फ्रॉम साइट्स क्रिएटेड प्योरली फॉर एसईओ, कि जो यानी कि वो जो कुछ यानी कि आपने वो, अगर फॉर एग्जांपल गूगल को ये पता चल जाए कि जितने भी आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं ये जस्ट आप एसईओ के लिए कर रहे हैं, तो गूगल तो मेन चाहता ही नहीं है कि आप एसईओ के लिए या एसईओ आप अपनी वेबसाइट की
करें, ठीक है ना, क्योंकि गूगल तो चाहता है कि जो नेचुरल साइट्स हैं उन्हीं को मैं रैंक करूं, उन्हीं को मैं रिजल्ट्स दूं। तो आपने इस तरह काम करना है कि गूगल को ये चीज शो हो कि इन ये एक नेचुरल वर्क है, ये वाकया ही वेबसाइट जो है वो एक इस चीज को, मेरे क्राइटेरिया को मीट करती है। तो उस इस तरह आपने काम करना। तो अगर उसको ये चीज पता चल जाए कि ये प्योरली एसईओ के लिए लिंक बिल्डिंग हो रही है, तो उस पर भी जो है वो गूगल पेंगुइन इस चीज को देखता है, लिंक कमिंग फ्रॉम टिपिकली इररेलीवेंट साइट्स। जो इररेलीवेंट साइट से आपके लिंक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है वो कि अगर हमारी टैक्सी कैब से रिलेटेड साइट है और हम उसका किसी हेल्थ रिलेटेड साइट्स पे जाके लिंक्स लगा दें, तो ये इररेलीवेंट साइट्स होगी और पेंगुइन इस चीज को जो है वो देखेगा कि इररेलीवेंट साइट से लिंक आ गए और उसका जो है वो नेगेटिव जो है ना वो आपको पॉइंट मिलता है। पेड लिंक्स जो है वो इसको वो मेन देखता है कि पेड लिंक्स अलो नहीं करता गूगल, लिहाजा पेड लिंक्स से यानी कि आप अवॉइड करें। जो ओवर आपने एंकर टेक्स्ट के थ्रू जो है वो अपने लिंक्स को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, इस चीज को भी जो है वो गूगल पेंगुइन के थ्रू ही वो देखता है और इस चीज से आपने अवॉइड करना, इन सारी चीजों से आपने अवॉइड करना है। और अब आगे ही हम डिस्कस कर देते हैं कि इसको यानी कि मेन वर्क ये किस तरह करता है। अब पेंगुइन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पीछे गूगल ने क्राइटेरिया डिफाइन कर दी है कि जो पुअर क्वालिटी लिंक्स जो आ रहे हैं डिफरेंट पुअर साइट्स से, ठीक है, और उसके बाद लिंक बिल्डिंग फॉर एसईओ, ठीक है, जो प्योरली लिंक बिल्डिंग फॉर एसईओ, जो लिंक बिल्डिंग एसईओ के लिए करते हैं, उन चीजों यानी जो पीछे क्राइटेरिया सारा डिफाइन कर दिया, उन चीजों को देखता है। अगर तो वाकया ही हमारी वेबसाइट उन चीजों को वो काम हमारी वेबसाइट में हुए हैं, तो उसके थ्रू जो है वो आपकी उनको देखकर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी रैंकिंग को वो डाउन कर देता है। हाउ कैन वी एडजस्ट इट, ठीक है, हम इसको एडजस्ट किस तरह कर सकते हैं। मॉनिटर योर लिंक्स प्रोफाइल्स ग्रोथ एंड रन रेगुलर ऑडिट्स, ठीक है, आप जो है अपनी वेबसाइट्स की प्रोफाइल की ग्रोथ को आप रेगुलर बेसिस पे ऑडिट करें उसका। और ऑडिट आप किस तरीके से कर सकते हैं, अपने बैक लिंक्स को चेक करते रहा करें, ठीक है, आप बैक लिंक्स को किस तरह चेक कर सकते हैं, एसईओ स्पाय ग्लास टूल है एक, और ये बेस्ट टूल है इस पर्पज के लिए कि आप जो है वो इसको यूज करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई मेरी वेबसाइट का स्पैमिंग लिंक्स या पुअर साइट से लिंक्स तो नहीं आ रहा, ताकि उसको वो रिमूव करके आप इसकी पेनल्टी से मेन बच सकते हैं। अब स्पाई ग्लास ये जो है वो टूल का मैंने वो स्क्रीनशॉट आपसे शेयर किया, नीचे इसका लिंक भी आ रहा है, आप इसको जो है वो इस लिंक को जो है वो ओपन करके आप रजिस्टर होकर इजीली अपनी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं। तो इसका मेन जो है वो आपके लिंक्स का जो नीचे ये मैंने जो सर्कल में रेड सर्कल में नजर आ रहा है, ठीक है, इसको आपने अपडेट वो करना है जाके, जब अपनी यानी कि लिंक वो ऐड कर देने हैं उनका जो है वो आपने स्कोर देखने के लिए, ठीक है, उसका पेनल्टी रैंक देखने के लिए आपने उस जाके अपडेट पेनल्टी रैंक पे जाके क्लिक करना है और आपके जो भी लिंक्स हैं उनका जो है स्कोर ओवर टू 50%, आपके 50% से ज्यादा होना चाहिए, वो ही लिंक आपके लिए बेनिफिशियल है, वरना दूसरे लिंक्स जो है उससे नीचे वो आपकी पेनल्टी का बायस बन सकते हैं। गूगल हमिंग बर्ड्स, गूगल हमिंग बर्ड का काम मेन क्या है, ये भी न्यू अपडेट है और ये लॉन्च हुई अगस्त 22, 2013 में, ठीक है, इसका मेन जो है वो लॉन्च करने का पर्पस क्या है, लो क्वालिटी कंटेंट को देखना और कीवर्ड स्टफिंग को देखना, ठीक है। तो लो क्वालिटी कंटेंट अगर होगा आपका, ठीक है, तो अगर कीवर्ड स्टफिंग होगी तो ये फिर गूगल हमिंग बर्ड जो है वो उस पर पेनल्टी आपको डालेगा। और मेन इसका वो वर्क किस तरह करता है, वर्क ये इस तरह करता है कि इसका मेन पर्पस ये होता है कि अपनी जो विजिटर्स हैं, जो सर्चर्स हैं, जो सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, उनको जो है उनका बेटर और रेलिवेंट जो क्यूरीज के मुताबिक रेलिवेंट और बेटर जो है वो कंटेंट उन रिजल्ट वो शो करना। और जिस वक्त आपका कंटेंट जो है वो इररेलिवेंट होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो वो कभी भी आपका रैंकिंग रैंक में अच्छे तरीके से शो नहीं हो सकता, गूगल रैंकिंग में नहीं आ सकता। तो इस चीज के लिए आप इसको जो है एडजस्ट किस तरह कर सकते हैं, एक्सपेंड योर कीवर्ड रिसर्च एंड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स नॉट कीवर्ड्स, आप जो है वो कीवर्ड्स पे फोकस ना रखें बल्कि आप अपने क्वालिटी कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस रखें और अपने कीवर्ड्स रिसर्च को और फोकस कॉन्सेप्ट अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस रखें, नॉट
कि आप कीवर्ड्स पर फोकस रखें, आप कंटेंट को बेहतर करें, कंटेंट को यूनिक करें, कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करें और कंटेंट की रेलिवेंसी को इंप्रूव करें, तो इसके थ्रू जो है वो गूगल हैमिंगबर्ड जो है वो आपकी रैंकिंग को मजीद वो बेहतर कर देगा, अगर आप अपने कंटेंट को अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, तो रेलिवेंट कंटेंट लिखते हैं। तो आगे गूगल मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, गूगल मोबाइल फ्रेंडली अपडेट इसमें जो है वो मेन ये है कि इसका मेन लॉन्च कब हुई, 21 अप्रैल 2015 में, ठीक है। इसका मेन ये पर्पस है लॉन्च करने का कि आपके जो है वो लैक ऑफ अ मोबाइल फ्रेंडली पेजेस, पुअर मोबाइल यूजिबिलिटी, आप जिन साइट्स की यूजिबिलिटी जो मोबाइल पे है वो पुअर होगी, ये जो मेन एल्गोरिथम है ये उसको अफेक्ट करेगा। तो इसका मेन ये काम है कि जो है ना आपकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स को, पेजेस को इंश्योर करना और उनको मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर रैंक करना। तो लिहाजा आपकी जो मेन साइट है ये कंफर्म कर लें कि आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, आपकी जो है वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मोबाइल पे जो है वो रिस्पॉन्सिव हो, इस चीज पे फोकस रखें। और इसका मेन ये चीज है कि आप इसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, गो मोबाइल एंड फोकस ऑन स्पीड एंड यूजिबिलिटी। आप मोबाइल पे जाएं और उस जगह पे जाके चेक करें, और चेक करने के बाद जो है वो आप उसको, अगर तो मोबाइल फ्रेंडली है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो उसको आप मेन बेहतर करें। अब मैं एक चीज वो मेन आपसे वो डिस्कस करूं कि आप फॉर एग्जांपल कि आप अपनी साइट को किस तरह मेन चेक कर सकते हैं कि आप जो है वो आपकी साइट जो है वो पेनल्टी में मेन आई है कि नहीं, ठीक है। और उसके लिए जो है वो हम एक गूगल कंसोल में जाएंगे, गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद ये मेरी मेन साइट है, ये हमारी यानी कि rawaj.co.uk। अब इसके मेन जो है वो आप सर्च ट्रैफिक में जाएंगे, सर्च ट्रैफिक में जाएंगे और मैनुअल एक्शन के ऊपर, मैनुअल एक्शंस। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो मेन किसी भी एल्गोरिथम्स, कोई भी एल्गोरिथम से अफेक्ट होती है, ठीक है, वो उसको अफेक्ट करता है, तो ये मेन जो है वो आपकी साइट जो है, साइट का मैसेज जो है वो इस जगह पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस जगह पे आ रहा है नो मैनुअल वेब स्पैम एक्शंस फाउंड, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी तक हमारी ये जो वेबसाइट है ये किसी भी गूगल के एल्गोरिथम्स के जो है ना वो उसकी तरफ से कोई भी पेनल्टी या वार्निंग वगैरह नहीं आई। अगर फॉर एग्जांपल मेरे अगर फॉर एग्जांपल कंटेंट की वजह से होती तो इधर प्रॉपर उसने वो मैसेज आ जाना था कि ना आप क्या आपका कंटेंट जो है वो बेहतर नहीं है, डुप्लीकेट है, और इस वजह से उसको मेन बेहतर कर ले। अब ये मैं एक सैंपल के तौर पे आपको जो है वो इसको अगर हम लिखते हैं गूगल मैनुअल एक्शन, इसके इमेजेस पे जाते हैं ताकि मैं आपको वो क्लियर कर सकूं कि मैसेज किस तरह का आपको फोन यानी कि आ सकता है, ठीक है ना। अब ये देखें ये मैसेज वो मेन आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह मैसेज आपको वो शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम और मजीद मैसेज देख लेते हैं, ठीक है, ये जो है वो मेन वो शो होना शुरू हो गया, ठीक है जी। इस तरह आपको जो भी होगा उसमें प्रॉपर जो है वो आपका वो लिखा होगा कि आपको इसलिए वार्न किया जा रहा है कि आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपकी वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट है,
आपका जो है वो आपके बैक लिंक्स पुअर साइट से आ रहे हैं, यानी कि कोई भी एल्गोरिथम आप पे अगर आपकी वेबसाइट पे इफेक्ट करेगा तो आपको मैनुअल एक्शन में सर्च ट्रैफिक में जाके मैनुअल एक्शन में आप जाके गूगल सर्च कंसोल में जाके अपने यानी कि इधर आप चेक कर सकते हैं। और आगे जो है वो हमने सेकंड जो पढ़ा मोबाइल फ्रेंडली या मोबाइल यूजिबिलिटी, ठीक है, और उसके लिए आप जो है वो मोबाइल यूजिबिलिटी पे जाएं, मोबाइल यूजिबिलिटी पे जाके इस जगह पे आप यानी कि वो देख सकते हैं कि उसने अब बताया हुआ नो मोबाइल यूजिबिलिटी एरर्स डिटेक्टेड, ठीक है ना, यानी इट मींस कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है। अगर मोबाइल फ्रेंडली ना होती तो इस जगह पे वो ग्रीन ग्रीन सिग्नल की जगह पे वो एरर शो कर रहा होता, वो रेड सिग्नल शो कर रहा होता कि आपकी जो है वो मोबाइल यूजिबिलिटी में एरर है। तो ये चीजें मेन, तो इन चीजों को आपने मेन वो अपने माइंड में रखना है। तो मेन ये चीजें आज हमने वो डिस्कस की अपने थर्ड सेशन में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक जो है वो हम इंशाल्लाह वेट करते हैं, फोर्थ जो है वो हमारा नेक्स्ट होगा और उसमें जो है वो हम कीवर्ड्स के मुतालिक, कीवर्ड्स स्ट्रेटजीज और टाइप्स के मुतालिक इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे।